चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोलो गुड इवनिंग क्लास है ना गुड इवनिंग क्लास किसी बच्चे ने गुड मॉर्निंग तो इसमें <laughs> किसी बच्चे ने मुझे लगता है गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल लिख दिया इसलिए मैंने उनको देख के गुड मॉर्निंग बोल दिया चलिए जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग एकता शर्मा गुड इवनिंग प्रियांशी अग्रवाल प्रीति झा शिवानी जैन राहुल अग्रवाल संगीत सागर तेजस्वी कुमार है ना आप सबों को गुड इवनिंग अंकित अग्रवाल जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़ जाइए अब मैं स्टार्ट करूँ फिर कृष्णा गुड इवनिंग विशाल झा गुड मॉर्निंग <laughs> धीरज सिन्हा गुड इवनिंग तानिया खेरा गीतांजलि कश्यप निधि अमन अग्रवाल है ना? वही मुझे लगा किसी ने गुड मॉर्निंग तो बोला है तभी मैंने जवाब में गुड मॉर्निंग बोला काजल सिंह नमस्कारम अरे वाह नमस्कारम नमस्कारम शालिनी भट्ट गुड इवनिंग जसप्रीत सिंह बग्गा गुड इवनिंग सर यश चौहान लक्ष्य शर्मा मदनपुर यश जैन भार्गवी चलिए जी आप सबों को एग्जैक्टली गुड इवनिंग एंड हेलो अविनाश हाँ गुड इवनिंग जल्दी जल्दी सारे बच्चे जुड़िए जिससे कि मैं स्टार्ट करूं जय माता दी बोलने वाले भी लोग हैं जी जय माता दी गुड इवनिंग प्रखर प्रखर अंकुर शर्मा चलिए जी तो स्टार्ट करें फिर है ना भार्गवी शर्मा पूछ रही है हाउ आर यू सर अब कोरोना काल में तो हम यही बोल सकते हैं जिंदा है यही बहुत बड़ी बात है है ना कहा जाता है 2020 का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यही है कि हम बच गए और हम जिंदा हैं जय माता दी चलिए स्टार्ट करें फिर मुझे लगता है बहुत बच्चों को आज के सेशन के बारे में पहले से ही कुछ एहसास है आभास है और वो क्या है सर वेटिंग टू सी यू इन ऑनलाइन क्लासेस और फेस टू फेस क्लासेस चलिए जी चलो स्टार्ट करें फिर ऑफलाइन फेस टू फेस यस चलिए सबसे पहले अगर आप लोग मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं तो मेरे इस बैगी पे कुछ लिखा हुआ है और ज़रा बताओ ये क्या लिखा हुआ है जल्दी टाइप करके बताओ क्या लिखा हुआ है ये फिर मैं बताता हूँ कि इससे क्या रिलेशन है सरप्राइज हाँ सरप्राइज 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 है ना चलिए क्या लग रहा है क्या सरप्राइज़ है तुम लोग गेस्ट करो कुछ सरप्राइज सरप्राइज है ना मुझे मालूम था सब यही बोलेंगे कि सर आपकी शादी होने वाली है ऐसा कोई सरप्राइज है ऐसा कोई भी सरप्राइज नहीं है ना <laughs> चलिए जी देखो तो यहाँ पे जो सरप्राइज लिखा हुआ है एक्चुअली एक सरप्राइज है सरप्राइज से पहले स्टार्ट करता हूँ गुड न्यूज से है ना गुड न्यूज ठीक है चलिए जी जो बच्चे फ़ेस टू फेस क्लासेस का इंतजार कर रहे हैं ऐसे तो दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चे फ़ेस टू फेस क्लासेस का इंतज़ार करते करते उनकी आंखें थक गई है ना अब उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया फ़ेस टू फेस क्लासेस का इंतज़ार करते करते आई के एग्ज़ाम्स आ गए है ना लेकिन चलिए अभी भी बहुत बच्चे हैं जिनको थोड़ी भी उम्मीद होगी एक क्लास भी अगर फ़ेस टू फेस हो जाए और अगर हम एग्ज़ाम गाइडेंस क्लास फ़ेस टू फेस कर लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी है ना चलिए मैं बताता हूँ उसमें अगर आपको मालूम हो तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक फ़ेस टू फ़ेस क्लास होना इम्पॉसिबल है लगभग है ना? तो उस केस में वैक्सीन डेवलपमेंट में आप लोगों को पता चल ही गया होगा है ना यूके के अंदर आज से देना वैक्सीन स्टार्ट हो गया रसिया में भी आज से वैक्सीन देना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है है ना इंडिया के अंदर भी दो वैक्सीन कैंडिडेट द फर्स्ट वाज फाइजर एंड द सेकेंड इज़ सीरम इंस्टीट्यूट इन लोगों ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए अप्लीकेशन लगा दी है और चांसेस हैं कि दिसंबर लास्ट लास्ट तक इन लोगों को ऑथराइजेशन शायद मिल भी जाए तो इसका मतलब दिसंबर से वैक्सीनेशन होने के चांसेस हैं आज मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी एक जी न्यूज़ का एक क्लिप uh, लगाया था उसमें वो बोल रहे थे कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा वैक्सीनेशन चलिए दिसंबर नहीं जनवरी फर्स्ट वीक तक तो हो ही जाएगा है ना तो अगर वैक्सीनेशन अपने टाइम पर हुआ तो फ़ेस टू फेस क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ये तो गुड न्यूज़ है सरप्राइज़ क्या है वो सुनो सरप्राइज ये है कि हम आज करने यहाँ आए हैं कंपनी लॉ अमेंडमेंट है ना कंपनी लॉ अमेंडमेंट्स जब हम कंपनी लॉ अमेंडमेंट करने आए तो मैं भी बड़ा खुश था कि कंपनी लॉ के अमेंडमेंट में तो बहुत कुछ होगा है ना लेकिन जब मैंने देखा तो मेरी हालत हो गई ख़राब कंपनी लॉ अमेंडमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है आईसीएस ने कुछ भी नहीं दिया है बस रिसेंट कुछ जजमेंट है वो डाल दिया कहानी के तौर पे और कुछ भी नहीं है मैंने सारा पहले ही करा दिया है अब मैं बता रहा हूं कहाँ कहाँ कर, कराया है मैंने सो देखो सबसे पहले ध्यान से सुनते रहिएगा ये सबसे जरूरी है ये नहीं कि मैंने बोला कोई अमेंडमेंट नहीं तो सारे बच्चे भाग जाना बस पाँच दस मिनट सुन लो सबसे पहले जून में मैंने अमेंडमेंट कराया था जून में मैंने अमेंडमेंट करवाया था कंपनी लॉ का और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो सारे के सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखना कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है वो बहुत मेजर अमेंडमेंट है है ना तो जून में जितने भी अमेंडमेंट हुए थे बहुत ज़्यादा हुए थे और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे है ना तो वो उसमें नाइन्टी नाइन परसेंट मैंने कवर कर दिया था उसके बाद अभी मैंने एस बी सी का अमेंडमेंट कराया एस बी ई सी का जून वाला भी और दिसंबर वाला भी अभी तुरंत करवाया है है ना अब ये दोनों अमेंडमेंट से भी आप जानते हैं कंपनी लॉ और एस दोनों मैच करता है है ना तो ये अमेंडमेंट से कवर हो गया उसके बाद रही सही कसर निकाल दी सी के अमेंडमेंट ने <coughs> आपको याद होगा सी के अंदर सेक्शन 230 वाला मर्जर एंड अमलगमेशन वाला जो अमेंडमेंट था और उससे जुड़े हुए जो रूल थे वो मैंने करा दिया था है ना तो जब आप ये सारा का सारा करेंगे तो कंपनी लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट बचता है वो है नील वो क्या एग्जैक्टली exactly? नील तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं ये सारा अमेंडमेंट मैंने पहले करवा दिया है है ना तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक बार पूरा का पूरा आई ने जो अपना आ, वो सप्लीमेंट दिया है उसको मैं लाइन बाय लाइन पढूंगा और देखता हूँ खोज के निकालता हूँ कि कुछ अमेंडमेंट नए निकलते हैं या नहीं या जो अमेंडमेंट निकलते हैं वो हमारे काम के हैं या नहीं है ना तो उस केस में तो आज का सरप्राइज यही था है ना कि कंपनी लॉ के अमेंडमेंट में है ना अब कोई अमेंडमेंट है ही नहीं अच्छा क्यों नहीं अमेंडमेंट है जल्दी बताओ जल्दी से बताओ अच्छा कंपनी लॉ के अमेंडमेंट के नाम पे क्या क्या करना है तुम लोग को देखो मैंने यहां लिखा हुआ है सबसे पहले जून वाला अमेंडमेंट आपको करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दूसरा एस का जून वाला भी और एस का दिसंबर वाला भी दोनों का डिस्क्रिप्शन लिंक में है है ना सॉरी दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और तीसरा सी का जो अमेंडमेंट मैंने अभी कराया है उसमें भी आपका कवर हो गया तो ये तीनों को मिला लोगे तो आपका कंपनी लॉ का अमेंडमेंट हो गया है पूरा है ना तो चलिए एक बार मैं तुम लोग को दिखाता हूं कि ये सारा अमेंडमेंट हुआ है या नहीं आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर सही बोल रहे हैं ये सारे अमेंडमेंट पहले ही कवर हो चुके हैं है ना चलिए जी देखते हैं के करके आई की वेबसाइट पर आ गए और आई की वेबसाइट पर आने के बाद है ना अब हम आएंगे एकेडमिक पोर्टल में एकेडमिक पोर्टल में जब जाएंगे तो न्यू सिलेबस पे जाएंगे न्यू सिलेबस पे जाएंगे स्टडी मटेरियल के अंदर जाएंगे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम आएंगे कंपनी लॉ के सप्लीमेंट पे अब कंपनी लॉ के सप्लीमेंट पर जब हम आएंगे तो देखिए आप यहाँ पर कैसे कैसे दिया हुआ है सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंपनी चैप्टर तो कंपनी लॉ में नहीं है ये तो अब एस में है और आपको याद होगा कि निधि कंपनी से जुड़े हुए तीन नए फॉर्म्स आए थे इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं एस अमेंडमेंट में ठीक है तो ये हो चुका है दूसरा निधि से जुड़े हुए कुछ ट्रांजिशनरी चेंजेस थे जो मैंने बोला था कि हमारे काम के नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही एस में बात कर लिया है उसके बाद आपको याद होगा ये स्पाइस प्लस और अजाइल प्रो वाला कहानी उसके ऊपर तो प्रॉपर एक सेशन मैंने स्पेशल लिया था और वो स्पेशल सेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे तो ये वाला पार्ट भी पूरा मैंने करा दिया है एक स्पेशल सेशन ही लिया था इसके ऊपर अगर आपको याद हो तो उसके बाद आ, ये तो स्पाइस प्लस और अजाइल प्रो वाले वाला है उसके बाद मैंने एस में याद होगा गवर्नमेंट uh, कंपनी के डेफिनेशन में जहां पे पेड अप शेयर कैपिटल वर्ड लिखा हुआ था वहां पे अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू किया है तो वहां पे उसको टोटल वोटिंग पावर माना जाए ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी है ना तो ये सारा मैंने कवर कराया हुआ है है ना चलो एक डिवीजन के तौर पर भी तुम लोग देखते जाओ है ना उसके बाद सेक्शन वन एटी एट सबसेक्शन वन के अंदर चेंज था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको भी एग्जेम्प्ट किया था तो वो भी मैं करा चुका हूँ वहीं पर है ना उसके बाद निधि कंपनीज के बारे में तो बताया था ये सारे के सारे ट्रांजिशनरी हैं इसका हमसे कोई खास मतलब नहीं है उसके बाद एक शेयर कैपिटल कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर अमेंडमेंट रूल रूल एट सोए टुक्टी शेयर्स सोए टुगटी शेयर्स वाले में अगर आपको याद हो तो स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा एक्जम्शन बढ़ाया था जहाँ पाँच साल लिखा हुआ था वहाँ क्या कर दिया था दस साल कर दिया था तो वो भी मैं करा चुका हूँ है ना उसके बाद उसके बाद ये सेक्शन 460 सिक्सटी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले वाला जो सेक्शन है वो कंपनीज एक्ट का है लेकिन एलएलपी एल पे भी अप्लाई होगा ये भी बात मैंने एसबीसी में किया हुआ है सब किया हुआ है पहले से है ना उसके बाद अगर आपको याद हो कि जो ऐसी कंपनी ऐसी एन जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मानना जरूरी है उनकी एनुअल फाइलिंग के अलग फॉर्म्स हैं ए ओ सी फोर एन बी एफ सी इंडेस है ना और अगर वो कॉन्सलीटेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं तो ए सी फोर सी एफ एस एन बी एफ सी है ना इंडेस ये सारा का सारा मैंने पढ़ाया हुआ बस मैं एक बार कॉन्फिडेंस के लिए आपको दिखा रहा हूँ कि देखो मैं सच बोल रहा हूँ और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पहले सारे अमेंडमेंट कवर हो चुके हैं हाँ कुछ जो नए एग्जैक्टली exactly, जुडिशल प्रोनाउंसमेंट हैं जो नए नए अभी हुए हैं वो कहानी के तौर पे दिया हुआ है उसको कभी भी घूमते फिरते रूट कर सकते हैं आप ठीक है एमएसएमई का नया डेफिनेशन है ना वो मैं करवा चुका हूं ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे किर्प, अब देखो IBC, IBC का मुझे लगता है पिछला सेशन ही मेरा किसके ऊपर था आई बी सी के अमेंडमेंट के ऊपर था है आई बी सी वाला भी पूरा का पूरा अमेंडमेंट मैंने करा दिया है है ना तो देखिए ऐसे करते करते तो ये पूरा खत्म हो गया है ना अब आप बोलोगे कि सर आप जब कोई अमेंडमेंट था ही नहीं तो आप आए क्यों अब देखो मैंने टाइम डेट दे दिया है तो मुझे आना ही पड़ा है ना अब आना पड़ा नहीं आता तो बच्चों को ऐसा लगता है ना तो उस ये क्या उस कंपनी लॉ वाला ही खोला ना मैंने क्या है ये ओ एस का है सॉरी 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 करो 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 को पूरा मैंने देख लिया तो ऐसा लगा कि कंपनी लॉ वाला ना अच्छा 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 चलो कंपनी लॉ वाला भी खोलते कोई दिक्कत नहीं ये लो वही मैंने बोला इतना स्मूथली कैसे चल रहा है केस लॉ तो आना चाहिए चलिए जी कोई बात नहीं कोई बात नहीं है ठीक है चलो यहां से देखो सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के अंदर सेक्शन टू क्लास फोर्टी फाइव में फिर से बोल दे रहा हूँ तुम लोग का रिवीजन भी होता जाएगा पेड अप शेयर कैपिटल को क्या माना जाए टोटल वोटिंग पावर माना जाए जहां कंपनी ने क्या इशू किया हुआ डी ये मैं करवा चुका हूं ठीक चलो देखते जाओ देखते जाओ अब दूसरा उसके बाद ये शेयर कैपिटल है ये जी डी आर ए को लेके है वो मॉड्यूल सेकंड में है वो आपके काम का भी उतना नहीं है उसके बाद रूल एट वही इक्विटी शेयर्स वाले है ना वो मैं करा चुका हूँ जहाँ पे पाँच साल के जगह पे क्या माना जाए दस साल माना जाए ठीक है वो किसके लिए है पाँच साल वाला दस साल माना जाए किसके लिए स्टार्टअप के लिए तो वो मैं करा चुका हूँ ये देखो नए कुछ जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स है ना ठीक है उसके बाद डेट कैपिटल वाले में डेट कैपिटल वाला तुमको याद होगा जून में मैंने डी आर आर के ऊपर एक बड़ा लंबा चौड़ा अमेंडमेंट कराया था किसके ऊपर एग्जैक्टली डी आर आर के ऊपर है ना तो डी आर आर के ऊपर जो अमेंडमेंट कराया था वही है ये है ना तो वो अच्छे से कर लेना ये मैं करवा चुका हूं देखो ना इसका डेट ही देखो पांच जून 2020 अब मैंने जुलाई अगस्त के इब, आ, उसमें अगस्त अमेंडमेंट हो गया अगस्त का अटेम्प्ट आ गया था उसके लिए मैंने कराना शुरू किया था तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ <coughs> उसके बाद कुछ वही जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हैं उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद मतलब मैं इतना खुश हो गया ना आज की आज, की, आज कोई खास अमेंडमेंट नहीं है मैंने तो एस का अमेंडमेंट खोल दिया था ठीक है चार्ज के ऊपर बस केस लॉस इन्होंने केस लॉस किया है जो नए नए डिसीजनस हुए हैं उन्होंने डिसीजनस लिख दिया है बस है ना वो आप आराम से कर सकते हैं सी एस आर ये सारा अमेंडमेंट मैं करा चुका हूँ अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखाता अभी रुको देखो अभी मैं सर्च मारता हूँ इसमें जैसे सी एस आर के अंदर कोविड के अंदर जो पैसा खर्च करेंगे जैसे पी एम केयर फंड फ़ंड्स में डालेंगे तो वो सभी सी एस आर के लिए क्वालिफाई कर जाता है ये देखिए ये अमेंडमेंट मैं पहले ही कर चुका हूँ ये देखो ये देखिए ये ना सी एस आर कॉन्ट्रीब्यूशन एरियाज ये देख रहे हैं ये सारा का सारा मैंने जून में ही कर दिया था तो ये सारा अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी जून में कर चुका हूँ और अगर किसी बच्चे ने जून वाला अमेंडमेंट का नोट्स अगर प्रिंट आउट कराया होगा तो ये सब उसमें है तो कोई नया अमेंडमेंट नहीं है अब देखिए आपको और दिखाता हूँ उसके बाद पी एम केयर्स वाली बात मैं पहले ही कर चुका हूँ उसके बाद ये बस जुडिशल प्रोनाउंसमेंट डाल डाल के इन लोगों ने इसको भरा है और कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं है एक अच्छी चीज़ है कि आपको फ़ायदा भी हुआ कोविड की वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा भी हो गया है ये कारो जो हम लोग पढ़ रहे थे अभी वो क्या था 2016 वाला कारो था जो अभी तक हमारे बुक में है वो क्या एग्जैक्टली दो हजार वाला अब उसको भी हटा के 2020 वाला आ गया था लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि 2020 वाला जहां उन्नीस बीस से लगने वाला था अब इसको बढ़ा के बीस इक्कीस कर दिया गया है तो बीस इक्कीस कर दिया इसका मतलब कारो दो हमारे ऊपर अप्लीकेबल नहीं है ना तो ये दिसंबर में अप्लीकेबल होगा अब और ना ही आपका ये बीस इक्कीस से शुरू होगा तो ये दिसंबर में अप्लीकेबल नहीं होगा है ना उसके बाद देखिए यहाँ लिखा ना ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है ये उन्नीस बीस से जो होने वाला था एक बार देखिए आप बट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ देस दिस यहाँ लिखा हुआ ना शेल बी मेड अप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर बीस इक्कीस तो बीस इक्कीस का मतलब अभी जो बीस इक्कीस चल रहा है वो इंस्टीट ऑफ बींग्लीकेबल फॉर फाइनेंशियल ईयर उन्नीस बीस तो बीस इक्कीस का इसका मतलब कंपनी की तरफ से अगर देखें तो कंपनी के ऊपर ये अभी ये लागू नहीं हुआ चूंकि बीस इक्कीस अभी अभी चल ही रहा है बीस इक्कीस पहले ख़त्म होगा फिर उसका ऑडिट होगा फिर ऑडिट का जब ऑडिट होगा उस समय का आपका कारो अप्लीकेबल होगा तो चलिए ये वाला एक जरूर अच्छी बात है कि ये थोड़ा सा फ़ायदा दे गया कोरोना की वजह से ये अप्लीकेबल नहीं हुआ उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद फिर ये जुडिशल प्रोनाउंसमेंट्स हैं है ना बाकी मैं कारो 2020 के ऊपर भी नोट्स बना के तुम लोग को दे दूंगा ठीक है मान लीजिए खुदा ना खास से अगर आ गया एग्जाम में एक तो हल्का फल्का ही चेंज होगा तो कम से कम तुम कर पाओ तो कारो 2020 के ऊपर ना जो अमेंडमेंट के नोट्स बनाऊंगा ना उसमें मैं, मैं बना के दे दूंगा ठीक है वो इतना बड़ा तो मतलब देखो जो 10-20 लाइन का ही तो होता है exactly. एग्जैक्टली तो वो भी कारो में लगभग चीज़ें सेम ही रहेंगी दो तीन चीज़ें चेंज होंगी तो जो चेंज होंगी वो पूरा मैं कारो का नोट्स बना के आपको दे दूंगा ठीक है चलिए जी उसके बाद सेक्शन वन के अंदर अमेंडमेंट था ये देखो ये मैं करवा चुका हूं उसके बाद आइए ये कौन सा है ये कंपनीज वाइंडिंग अपू थाउजेंड ट्वेंटी के थ्रू आपका वाइंडिंग अप uh, का ये रूल है ये भी मैं जून वाले में ही बता चुका हूँ उसके बाद आइए आपको मालूम होगा कि मर्जर एंड अमलगमेशन के ऊपर जो सेक्शन 230 थर्टी सेक्शन अलेवन एंड सब सेक्शन ट्वेल्व ये दोनों सी आर के अमेंडमेंट में कराया था इसके ऊपर मैंने रूल भी कराया था तो ये मैं करवा चुका हूँ सी आर ई देखो ना सेक्शन टू थर्टी सेक्शन टू थर्टी सेक्शन टोल्व उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये एम सी ट्वेंटी वन चैप्टर के अंदर अभी तुरंत कुछ देर पहले बात किया था मैंने कि एन बी एफ़ सी के लिए एनुअल फाइलिंग के फॉर्म्स बदल गए अच्छा सारे एन बी एफ सी के लिए कि वन बी एफ सी जिन के वो जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मानना जरूरी है उनके लिए तो ये भी हो गया निजी कंपनी के नए फॉर्म्स आए थे बाकी निजी कंपनीज के अंदर कुछ ट्रांजिशनरी चेंजेज आए थे जो मैंने बताया था वो हमारे काम का नहीं है उसके बाद देखिए ये स्पाइस प्लस और कौन वाला अजाइल प्रो वाला ये मैं पूरा करवा चुका हूँ ये देखो ना अजाइल प्रो और स्पाइस प्लस वाला सारा कहानी मैं करवा ही चुका हूँ उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आ, ये जो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक बनता है उसके ऊपर मैंने जून में ही करा दिया था वो सारा मैं करा चुका हूँ चिंता मत कीजिए सच में मैंने करवाया हुआ है आप जाके देखना चेक करना सब जून में करवाया हुआ है अभी आप बोलोगे ये दोनों देखो ये दोनों फाइल मैंने यहाँ खोला हुआ है मैं ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना चाह रहा क्योंकि एग्जाम की प्रिपरेशन का आप लोग का टाइम है आप मेरा लाइव सेक्शन लाइव सेशन ही देखने में टाइम खराब कर दोगे तो क्या फायदा रिपीट करने से क्या फायदा तो इसलिए ये सारा का सारा मैं जून वाले तक में करा चुका हूँ तो इसलिए आपके लिए कुछ भी नया इसमें नहीं है हाँ नया कुछ है अगर थोड़ा बहुत तो फिर वो कौन वाला केस है जो नए नए रिसल प्रोनाउंसमेंट्स है वो भी कहानी की तरह है वो कभी भी टाइम मिले तो रेड आउट कर लीजिए और उसके अंदर कुछ नहीं है उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर ये जुडिशल प्रोनाउंसमेंट है उसी से भरा हुआ है और कुछ नहीं है इसके अंदर ठीक है बाकी आपको रूल ए ये तो मैं बहुत पहले करा चुका हूँ है ना कि अब हर वो प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल दस करोड़ या दस मतलब पाँच करोड़ से भरा क्या कर दिया है दस करोड़ उसको कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है तो ये बात तो बहुत पहले ही मैं कर चुका हूँ उसके बाद इसमें ये सारे जुडिशल प्रोनाउंसमेंट हैं ये सारे के सारे फिर देखो रूल 80 वही सेक्शन 230 सब सेक्शन 11 एंड सेक्शन 230 सब सेक्शन 12 के ऊपर जो रूल बना था वो सारे का सारा रूल था ना ये रूल 80 ये, ये सब सब कराया हुआ सीआर के अंदर है ना उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद एग्जैक्टली exactly देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है बाकी एक ये है ये एक जरा देख लो ये भी उनतीस जून का है ये भी मैं करा चुका हूँ स्ट्राइकिंग ऑफ फॉर्म नंबर एस के वाला नहीं सीरी जाता है ये भी मैं करा चुका हूँ तो ये सारा का सारा हो चुका है है ना तो इसलिए मैंने ये चार्ट तुम लोग को बना के दिया तो आज के सेशन का ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है देखो कहाँ गया ये अरे कहा गया ये कि कंपनी लॉ के अमेंडमेंट के लिए अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जून वाला जो अमेंडमेंट कराया वो जरूर करना एस बी सी का जो जून और दिसंबर में दोनों में अमेंडमेंट कराया वो करना सी आर का अमेंडमेंट करना अच्छा उसके बाद हम्म ये सब करने के बाद कंपनी लॉ के नाम पर जो अमेंडमेंट बचेगा वो रहेगा नील तो मैं आप लोग का ज़्यादा का ज़्यादा जा, टाइम ख़राब नहीं करूँगा ड्राफ्टिंग के नए चैप्टर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत जल्दी बच्चे को मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद सारे बच्चों ने बोला सर प्लीज़ डोंट डिलीट दिस अमेंडमेंट्स अनटिल एग्ज़ाम्स मैं डिलीट नहीं करूँगा तुम लोग एग्जाम्स दे दो उसके बाद ही डिलीट करूँगा ठीक है उसके बाद एग्ज़ाम का अच्छा एक बात मालूम है ये भी उसके बाद जो तुम्हारा ई बी सी एल है ई बी सी एल का मैं देख रहा था अभी अमेंडमेंट चूँकि वेंसडे को तो ई बी सी एल का शेड्यूल्ड है मेरा उसमें भी कुछ नहीं है बस उसमें यह है कि इस सेक्टर में इतना इतना चेंज हो गया एफ का लिमिट और ऐसा सच कोई चेंज नहीं है लेकिन चलो मैं सेशन ज़रूर लूँगा वहाँ भी है ना देखते हैं और 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 अमेंडमेंट नोट्स बस ये अमेंडमेंट सेशन ख़त्म होगा ना तो सबका एक ही बार अमेंडमेंट नोट्स बनवाऊंगा और डाल दूंगा है ना तो इसलिए मैं थोड़ा तो सा रुका हुआ हूँ सर टैक्स के जून अमेंडमेंट्स का भी प्रीमियर करवा दीजिए अब मैं तो प्रीमियर के चक्कर में हुई नहीं मैं तो अब सारे टीचर को बोल रहा हूँ कि आप लाइव आइए तो आप लोग भी एक बार टीचर से बात करना टीचर्स को लिखना कि यूट्यूब लाइव आए तो ज़्यादा अच्छा है है ना क्योंकि लास्ट के समय में प्रेमियर से कोई खास फायदा नहीं होने वाला डायरेक्ट लाइव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है है ना अब सारे बच्चे बोल रहे कोई गाइडेंस है कि नहीं गाइडेंस बस यही है कि टाइम ख़राब नहीं करना है अब अभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो पूरा साल हम ये सोचते हुए दिसंबर में एग्जाम दिसंबर में एग्जाम और ये दिसंबर चल रहा है अब दिसंबर चल रहा है अब दिसंबर को भी खराब करेंगे तो पूरा का पूरा मामला ख़राब हो जाएगा ठीक है तो चलिए मैं आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं खराब करूंगा क्योंकि जब अमेंडमेंट कुछ है नहीं तो टाइम खराब करने से क्या फ़ायदा है अब मैंने डेट दिया हुआ था तो मैं आ गया लेकिन ये भी बताना जरूरी था ना कि अमेंडमेंट नहीं आने तो बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते है ना तो चलिए आज का सेशन यहीं तक फिर मिलूंगा अगले सेशन में और जब तक मैं ना मिलूँ दुआ में याद रखिएगा खुश रहें आप खुश रहें आपका परिवार और कोरोना से बचें